आप देख रहे हैं एवी क्राइम न्यूज, मैं अनुजा आपके साथ। नमस्कार, आइए चलते हैं खबरों की तरफ। मदद के लिए गए पीड़ितों को भगाया दुत्कार कर। कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर के पास कुछ दिन पहले नगर निगम के अवैध रूप से बसी बस्ती पर बुलडोजर चला था, जिसके कारण लोग बेघर हो चुके हैं। पीड़ित रामदेव ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस दिए उनके घर पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बेघर कर दिया गया। पीड़ित ने बताया घर के पीछे तालाब की जमीन पर कब्जा कर रहा उसने ही नगर निगम को कहकर बुलडोजर चलवाया है, जिसके कारण अब वह दर दर भटक रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि वे अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर डीएम, कानपुर आयुक्त सहित केडीए वीसी को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की है, और जब नगर निगम की मेयर प्रमला पांडे से मिलना चाहा तो वहां से उन्हें दुत्कार कर भगा दिया गया। अभी तक उन्हें किसी प्रकार की मदद और कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित ने कहा जिस तरह से उन्हें बेघर किया गया है उसी तरह से उन्हें नया घर या मुआवजा सरकार दे। हमारा नाम रामदेव है, हम जो है सुखापुरवा निवासी हम लोग हैं, सुखापुरवा टीपी नगर बाबूपुरवा थाने के सामने हम लोग का घर है, और गवर्नमेंट ने जो है केडीए ने हम लोग के नाम जो है 2005 में जो डाउन पेमेंट किया था, और जो यहाँ पे हम लोग हमारे घर के जो पीछे जो है गढ़िया थी वहाँ पे थे उसमें सिंगाड़े बोए जाते थे, धोबी कपड़े धोता था। वहाँ के लोगों ने जो बाहर से आए हुए उन्होंने कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद में उन्होंने किस तरीके हम लोग का घर गिरवा दिया ये पता है, सिर्फ हमारा अकेले क्योंकि सड़क से 125 फुट अंदर है, और भी उन्होंने गिरवाया नगर महापालिका से क्योंकि उसमें अधिकार केडीए का बनता है या पीडब्ल्यूडी का बनता है, और जब हम लोग परमला पांडे से मिलने गए तो उन्होंने इसे कुत्ते को भगाते हुए भगा दिया सबको। और किसी अधिकारी से मुलाकात की आपने? और हम लोगों ने डीएम को लिखा पढ़ी करके दिया, मुख्यमंत्री को लिखा पढ़ी करके दिया, प्रधान अधिकारी को लिखा पढ़ी करके दिया, वहाँ से कोई मतलब उन्होंने कोई अभी तक कार्य नहीं आए। कौन है ये? उनका नाम है कृष्ण कुमार शर्मा, और जो है वो वीरेंद्र कुमार शर्मा, और जो है बेदू शर्मा। आज आप यहाँ डीसीपी कार्यालय हैं, किस लिए? इसीलिए आज कि इंसाफ मांग रहे कि हमारा कोई हमारी बात को सुन नहीं रहा है तो हमको कैसे इंसाफ मिलेगा। तो क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी चाहते हैं? हाँ, उन लोगों को कार्रवाई चाहते हैं कि मतलब उसका जो निरपेक्ष कार्रवाई की जाए, उसको जांच की जाए उसकी कि जगह इनकी कैसे हो गई है। मलिन बस्ती है, सुखापुर मलिन बस्ती है वो, और मलिन बस्ती में कोई 50 गज का प्लाट नहीं होता है। कौन सा विभाग गिराने आया था ये? हाँ, नगर निगम आई थी। क्या कह रहे थे एक्शन साहब? उन्होंने कहा मुझको जो अम्मा जी का आदेश है, हाँ प्रमिला पांडे जी का, तो कह रहे थे आप प्रमिला पांडे से मिलिए। हम लोग प्रमिला पांडे से मिलने गए तो उन्होंने हम लोगों को कुत्ते की धुनिया भगा, जाइए अपना काम करिए, हमें सब मालूम है, आप किसी के मकान को किसी के प्लाट को अपना बना लोगे। मतलब आदमी बैठाता पूछता क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा जहाँ घर था वहीं फिर बनवाया जाए, और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और दूसरी चीज जो है वो केडीए की जगह केडीए को उसमें जांच करनी चाहिए, केडीए से भी कोई अधिकारी नहीं आया, और वो जो है क्या यही सब चल रहा है।